नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन और आज मैं अपने वीडियो में आपको टीडीएस से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगी। जिन लोगों को टीडीएस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और टीडीएस सीखना चाहते हैं तो वो भी आज ये वीडियो देखकर बड़ी आसानी से टीडीएस के बारे में जानकारी ले सकते हो। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस के लिए कौन से रिटर्न फाइल करने होते हैं, टीडीएस के डिडक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कब टीडीएस करना चाहिए, इसकी क्या रेट लेना है, यदि टीडीएस हम जो है टाइम पर नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या पेनल्टी होती है, इंटरेस्ट होता है, कौन कौन से रिटर्न फाइल होते हैं, कौन से सर्टिफिकेट इश्यू करने होते हैं, ये सारी डिटेल मैं आज अपने वीडियो में दूंगी। साथ ही जिनका टीडीएस हुआ है वो उसको कैसे रिफंड ले सकते हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी और इसका अकाउंटिंग एंट्री भी कैसे की जाती है वो भी आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगी। तो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी टीडीएस के बारे में यहाँ पर पूरा टीडीएस को सीख सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप शुरू से लेके एंड तक आप वीडियो को पूरा देखें। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, और यदि आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका बेसिक बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस तो वो होते हैं जैसे हम अर्निंग करते हैं, हम हमारी जो कमाई होती है उस पर हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। जो टीडीएस है वो कॉन्सेप्ट आती है हमारी डायरेक्ट टैक्सेस से। तो इनकम टैक्स में क्या होता था, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि जो रनिंग ईयर है जिसमें कि हम कमाई कर रहे हैं, जैसे कि अभी चल रहा है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। इनकम टैक्स में जो है फाइनेंशियल ईयर होता है, कैलेंडर ईयर नहीं होता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को एंड होता है। तो जैसे अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, तो 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022 तक जो भी हम कमाते हैं, पहली बात तो ये वाला जो रनिंग ईयर होता है, करंट ईयर जिसमें कि हम अर्निंग कर रहे हैं, वो कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। और तो इनकम टैक्स बोलता है कि 1 साल आप कमाओ और 1 साल आप चुकाओ, यानी कि जैसे 2021-22 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 में हमने जितनी भी कमाई की है उस कमाई पर हमको कब टैक्स देना होगा, 31 मार्च 22 के बाद, मतलब 22-23 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 के बीच में हमको क्या है, जो हमने फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर में कमाया है उसको हम अगले साल उसके ऊपर हमको टैक्स देना होता है। जो अगला साल होता है वो कहलाता है हमारा असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर में हमको क्या करना है कि कमाना है, और जो असेसमेंट ईयर जो उसके बाद वाला ईयर होता है उसमें हमको टैक्स देना होता है। तो पर इसमें क्या होता था कि हम साल भर इनकम अर्न करते थे और अगले साल जाके उस पर टैक्स देते थे। तो इससे क्या, कई बार क्या होता है, टैक्स चोरी की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी। लोग जो है अपनी इनकम को बताते नहीं थे, डिस्क्लोज नहीं करते थे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। तो इससे भी क्या हुआ कि टीडीएस की कॉन्सेप्ट है। टीडीएस में क्या होता है कि जहां पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पर इनकम का सोर्स है, जहां पर इनकम हो रही है वहीं पे आपका क्या करते हैं, इनकम टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। एक तरह से ये क्या हुआ, इनकम टैक्स जो टैक्स हम अगले साल देना होता था वो टैक्स अब हम अगले साल नहीं देके जैसे जैसे कमाई करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा टीडीएस होता जा रहा है और गवर्नमेंट को मिलता जा रहा है। तो एक तरह से ये क्या हुआ, हमारा टैक्स हम एक एडवांस टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है इधर कमाई की और वहीं पे हमारा, तो जहां पर सोर्स है मतलब जहां पे इनकम हो रही है वहीं पे हमको क्या करना है, टीडीएस होता है और हमारा वहीं पे टैक्स हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो ये होता है टीडीएस। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को अगर आप इनकम डिस्क्लोज ना भी करें तो भी जो इनकम दे रहा है उसके द्वारा आपकी खबर गवर्नमेंट तक हो जाती है कि हाँ इतनी इनकम इनके पास हुई है। तो इस तरह से क्या होती है, टैक्स चोरी में कमी आती है। तो इस वजह से टीडीएस की कॉन्सेप्ट आई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस वॉज इंट्रोड्यूस विद एन एम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ इनकम। जहां पर इनकम का सोर्स है वहीं पर क्या करना है, हमको टैक्स कलेक्ट कर लेती है गवर्नमेंट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ए पर्सन डिडक्टर हु इज लाइबल टू मेक पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड नेचर। स्पेसिफाइड नेचर मतलब क्या कि गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी ऐसे पेमेंट बताए गए कि उन पेमेंट को करते वक्त ही आपको क्या करना है, टीडीएस करना। तो कोई भी व्यक्ति वो स्पेसिफाइड नेचर का पेमेंट करता है तो उसको क्या करना, उस पेमेंट में से टीडीएस काट कर
सामने वाले पर्सन को, जिसको डिडक्टिव बोलते हैं, उसको पेमेंट, बचा हुआ पेमेंट कर देना है, और जो उसने टीडीएस किया है उस टीडीएस को क्या करना है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देना है। डिडक्टर को अपने पास कुछ नहीं रखना है, उसको तो जैसे मान लीजिए कि 50,000 रुपए उसको पेमेंट करना है, मान लीजिए 50,000 उसको किसी व्यक्ति को कमीशन के रूप में देना है, तो कमीशन है, पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कमीशन जो स्पेसिफाइड नेचर की इनकम है, तो जी हाँ, ये गवर्नमेंट जो लिस्ट है उसमें कमीशन पर भी आपको टैक्स करना, टीडीएस करना होता है। तो अब क्या करेंगे, जैसे 50,000 का कमीशन है, मान लीजिए कमीशन पर 10% की रेट से हमको टीडीएस करना है, तो हम क्या करेंगे, 50,000 पे 10% मतलब 5,000 टीडीएस होगा, तो 5,000 टीडीएस हमको क्या करना है, 5,000 तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना है टीडीएस, और जो 45,000 है वो किसको देना है, जिसको हमको पेमेंट करना है उसको हम 45,000 रुपए दे देंगे। तो इससे क्या हुआ, तो जो जिसने टैक्स डिडक्ट किया है वो डिडक्टर है, यानी कि जो पेमेंट कर रहा है वो डिडक्टर है, और जो जिसको पेमेंट दे रहा है वो डिडक्टिव हो गया। तो द डिडक्टिव फ्रॉम हुज इनकम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट क्रेडिट ऑफ द अमाउंट सो डिडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 26S अ टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डिडक्टर। अब इसमें क्या होता है कि जो डिडक्टी है, जिसका कि जिसके अमाउंट, जिसको पूरी अमाउंट मिलना थी लेकिन उसको कम अमाउंट मिली, तो उस इस कम अमाउंट के लिए डिडक्टर के द्वारा उसको एक टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाता है, या फिर जो फॉर्म उसका फॉर्म 26S है उसमें भी वो सारी टीडीएस की पूरी रिपोर्ट आ जाती है, जिसके बेसिस पे जब वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है तो उस इनकम टैक्स के रिटर्न में क्या आ जाती है, वो टीडीएस की डिटेल आ जाती है, जिसके बेसिस पे वो उसका टीडीएस की क्रेडिट ले सकता है। इसमें जितनी भी कॉन्सेप्ट आई, चाहे रिटर्न है या सर्टिफिकेट है, वो सब मैं वन बाय वन आपको सभी बताऊंगी। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा 26S भी क्या है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो एक तरह से क्या होता है टीडीएस, जैसे जब जहां से पेमेंट हो रहा है वहां पे से पेमेंट करने वाला व्यक्ति आपका टीडीएस कर लेता है, और टीडीएस को क्या करता है, गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करता है, बाकी की अमाउंट आपको दे देता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपकी इनकम पे अभी से गवर्नमेंट के पास वो टैक्स पहुंच गया है। पर हाँ, ये टैक्स जो पहुंचा है, ये टीडीएस है, फाइनल आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती। टैक्स लाइबिलिटी जो भी होती है वो आप जब साल भर के बाद जब आप रिटर्न, जो ड्यू डेट आपकी होती है उस ड्यू डेट पे जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस रिटर्न के बेसिस पे आपकी पूरी जो और भी कुछ, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जिस पर टीडीएस हुआ वही इनकम है, इसके अलावा भी आपकी इनकम हो सकती है। तो सारी इनकम आप अपने रिटर्न में दिखाएंगे और उसके बेसिस पे फिर आपका टैक्स निकलेगा। तो उस जैसे मान लीजिए कि आपकी आपने पूरी इनकम दिखा दी, उस पर आपका टैक्स आया 80,000 रुपए, और आपका अभी क्या हुआ था 5,000 का टीडीएस हो गया, तो अब आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में अभी 5,000 का क्या कर लिया, आपने क्रेडिट ले लिया, और 75,000 रुपए का आपको क्या करना पड़ेगा, जो बचा हुआ टैक्स है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो होता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या होता है, 5,000 रुपए पहुंच गए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इनकम है जिनके ऊपर टीडीएस होता है। तो कुछ इनकम मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जैसे सेक्शन इनमें गवर्नमेंट ने क्या करा है, इनकम टैक्स एक्ट में हम देखते हैं कि सबकी सेक्शन बना रखी है अलग अलग। जैसे 192 जो है वो सैलरी पे, सैलरी मतलब जो एम्प्लॉयर जहां पर हम जॉब करते हैं वो क्या करता है, वो भी टीडीएस करता है। आपको सैलरी देगा तो वो उस सैलरी पे क्या करेगा, टीडीएस काट के आपको बाकी की जो सैलरी है आपको दे दी जाएगी। तब सैलरी में भी सैलरी में आपको एक बार बता देते हैं, जो रेट होती है वो टीडीएस रेट होती है आपकी, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वगैरह जो आप पे जो एप्लीकेबल होती है वही वहां पे आपको, वहां पे भी ऐसा ही होता है। आपकी स्लेब रेट जो होती है, जैसे अगर मान लीजिए कि 2.5 लाख तक आपको एग्जम्पशन है आपकी इनकम, और आपकी सैलरी भी यदि 2.5 लाख बनती है तो आपका टीडीएस नहीं होगा। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, 5 लाख, अगर 5 लाख तक की टोटल इनकम है, तो आप क्या करेंगे, 5 लाख तक भी आप जो है आपको टीडीएस नहीं देना होगा, क्योंकि सेक्शन 87A में जो है आपकी, आपको उसकी रिबेट मिल जाती है। तो अगर उससे ज्यादा है तो आपको 10%, 20%, 30% जो भी स्लेब आपकी होती है उस स्लेब के बेसिस पे सैलरी पर जो है आपका टीडीएस होता है। तो इसके लिए आपको क्या होता है, अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी अपने एम्प्लॉयर को देना होता है। इन्वेस्टमेंट प्रूफ जैसे कि यदि आपने ATC में छूट लेना है तो आपको अपने LIC का रिसिप्ट देनी होगी, अगर आपको HRA की छूट लेनी है तो हाउस रेंट की रिसिप्ट देनी होगी,
इसके अलावा एजुकेशन फी की डिटेल देनी होगा। यदि आप होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की छूट लेना चाहते हैं तो आपको अपना होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ऐसे जिस जिस की भी अगर आप छूट चाहते हैं या फिर यदि आपकी कोई इनकम है वो भी आपको अपने एम्प्लॉयर को बतानी होगी। फिर उस बेसिस पे वो पूरी कैलकुलेट करके आपके जितना टीडीएस बनता टैक्स बनता है उस टैक्स के ऊपर वो क्या कर लेते हैं, वो धीरे धीरे करके हर महीने, ऐसा नहीं कि आपका एक साथ टीडीएस होगा, वो हर महीने वो जितना भी आपका टैक्स बनता है उसको साल भर में डिवाइड करके फिर हर महीने आपकी सैलरी में से डिडक्ट करते जाते हैं। फिर इसके अलावा भी बहुत सारी इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 193, अंडर सेक्शन 194 डीम्ड डिविडेंड, 194A इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194B विनिंग फ्रॉम गेम्स लाइक अ क्रॉसवर्ड पजल कार्ड लॉटरी, 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, 194C कॉन्ट्रेक्टर पेमेंट, 194D इंश्योरेंस कमीशन, 194DA अमाउंट अंडर LIC, 194H ब्रोकरेज और कमीशन, 194I रेंट, 194IA ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 194J में आपकी रॉयल्टी है, डायरेक्टर रेमुनेशन है, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस फीस है, नॉन कॉम्पिट फीस है, 194LA में आता है कंपनसेशन ऑन एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो लिस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी सेक्शन इनकम टैक्स में दी हुई है जिनके अंतर्गत ये लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इस लिंक पर आप जाएंगे तो आपको पूरी लिस्ट आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी ट्रेसेस की साइट पर। तो इस लिंक से आप क्या है पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सी इनकम पर टीडीएस होता है। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा बता देती हूँ, जैसे तो आप ये पूरा चार्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं देख सकते हैं। तो ये जो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको बताया है कि सैलरी का मैंने बताया कि स्लेब रेट के हिसाब से आपकी क्या होता है टीडीएस होता है, लेकिन बाकी में क्या होता है जैसे कि अंडर सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस होता है, तो उसमें क्या होता है कि 10% टीडीएस होता है। तो आपको क्या करना है, जितना आपने प्रोफेशनल फी पे की है उसमें से आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना। तो ऐसी सभी की क्या है अलग अलग रेट बता गई है, तो वो पूरा रेट चार्ट आप यहाँ इस लिंक के द्वारा आप देख सकते हैं। एक बात और बताऊंगी कि इस चार्ट में आपको एक चीज और दिखेगी, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट दिखेगी। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया जितनी भी इनकम है जिस पर कि आपको टीडीएस करना है उसके सामने आपको थ्रेशोल्ड लिमिट भी लिखी हुई मेरी। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है कि यदि पूरे साल में आपने, जैसे मैंने अभी प्रोफेशनल फी का एग्जांपल लिया, तो प्रोफेशनल फी में यदि पूरे साल में प्रोफेशनल फी की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 30,000। यदि आपने पूरे साल किसी भी प्रोफेशनल को आपने 30,000 तक का पेमेंट किया है तो आपको कोई टीडीएस नहीं करना होगा। लेकिन हाँ, यदि आपने 30,000 से ज्यादा अगर पूरे साल का देखेंगे, उसमें एक बिल हो या चाहे दो बिल हो चार बिल हो, पूरे साल में यदि आपने 30,000 से ज्यादा का पेमेंट किया है, यानी कि आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई, 30,000 से ज्यादा का पेमेंट किया है, तो फिर आपको ऐसा नहीं कि 30,000 तक कोई टीडीएस नहीं, फिर हम क्या करेंगे 30,000 को भी ध्यान रख के जो 30,000 से ऊपर, मानो कि 40,000 हो गया पूरे, 30,000 तक हुआ तो आपको कोई टीडीएस नहीं करना, लेकिन मान लीजिए 40,000 हो गया तो क्या करेंगे, अब 10,000 पे टीडीएस करेंगे 40,000 पे, तो आपको जो 40,000 की अमाउंट है उस पे 10% मतलब 4,000 पे पूरा जो बची हुई 10,000 है, 30,000 का तो आपने पेमेंट कर दिया लेकिन जो 10,000 बचे हुए हैं उस 10,000 में से आपको पूरा 40,000 पे 10% करके वो 4,000 का टीडीएस करके आपको 6,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट तक यदि आप पेमेंट करते हैं तो आपको कोई टीडीएस नहीं करना, लेकिन उससे यदि अमाउंट जाती है तो फिर पूरी अमाउंट पे आपको टीडीएस करना होगा। जो भी अमाउंट बची है उसमें से पूरा साल का टीडीएस निकाल के डिडक्ट करके बची हुई अमाउंट उनको दे देंगे। जो हम टीडीएस करते हैं तो डिडक्टी जिसका टीडीएस हम कर रहे हैं उसका हमको पेन नंबर लेना जरूरी होता है, और यदि डिडक्टी द्वारा पेन नंबर नहीं दिया जाता है तो लगभग बहुत सारे केस में जो टीडीएस की रेट है वो 20% हो जाती है। मतलब मान लीजिए जहां पे 10% लागू हो रही है वहां पे आपको 20% की रेट से आपको टीडीएस करना होगा यदि डिडक्टी ने आपको पेन नंबर नहीं दिया है। ये तो हमने बात की थी कि टीडीएस रेट क्या होती है, अब हम देखते हैं कि टीडीएस की स्टेप्स क्या क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले डिडक्टर की बात करें तो सबसे पहले जब हम किसी भी स्पेसिफाइड पेमेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो उस वक्त या तो जब हम पेमेंट कर रहे हैं तब, या जब हम सामने वाले का अकाउंट जिसको हमको पेमेंट करना है उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, जो भी दोनों में से पहले डेट होगी उस डेट पे हमको क्या करना है टीडीएस करना है।
फिर उस टीडीएस करने के बाद, उस टीडीएस तो कर लिया आपने, तो टीडीएस ऐसा तो है नहीं कि आपको अपने पास रखना है। टीडीएस मैंने बताया कि टोटल 50,000 का पेमेंट करना है, यदि उस पर 10% टीडीएस की लाइबिलिटी आपके ऊपर आ रही है तो आपको 5,000 रुपए टीडीएस काट के 45,000 रुपए क्या करेंगे आप सामने वाले डिडक्टी को दे देंगे। अब बचा 5,000, वो 5,000 का आप क्या करेंगे, टीडीएस टू बी डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चालान के द्वारा टीडीएस को जमा कर देंगे। अब ये कर दिया तो अब ये तो आपने सिर्फ चालान के द्वारा टीडीएस जमा किया, लेकिन उस जैसे हमारा इनकम टैक्स रिटर्न होता है वैसे टीडीएस रिटर्न, इसमें आपको क्या है, आपको पूरी डिटेल देनी होती कि इतनी अमाउंट आपने पे की है, उस पर इतना टीडीएस किया है, इस डेट पे टीडीएस किया, इस डेट पे टीडीएस जमा किया है, सारी डिटेल जो हम देंगे उसको बोलते हैं हमारा टीडीएस रिटर्न। फिर उनको क्या करना है, टीडीएस रिटर्न जमा करना, टीडीएस रिटर्न कब कब जमा करना है, कब चालान जमा करना है, ये सब भी मैं अभी आपको बताऊंगी। फिर आपको उसके बाद क्या करना है, अब टीडीएस रिटर्न कर दिया, आपने क्या करा, अभी सामने वाले को पेमेंट किया, 5,000 का पेमेंट आपने कम किया, तो उस 5,000 के बदले वो कुछ सबूत तो आपसे मांगेगा ना, तो आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको डाउनलोड करके डिडक्टी को देना पड़ेगा कि ये आपने जितना भी आप टीडीएस करेंगे उस अमाउंट का आपको इतनी अमाउंट पे आपने इतना टीडीएस किया है, उसका सर्टिफिकेट आपको क्या करना होता है, डिडक्टी को देना होता है। यानी कि 45,000 रुपए भी दिए, साथ में आप उस 5,000 रुपए के लिए उनको 5,000 का टीडीएस सर्टिफिकेट दोगे, तभी तो वो उसका क्लेम ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम डिडक्टी की, जिसका आपने टीडीएस किया, जब उसको टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, अपना रिटर्न फाइल कर देगा और जो टीडीएस की अमाउंट है वो क्लेम कर लेगा। क्योंकि टीडीएस का मैंने बताया कि टीडीएस एक तरह से आपका ही टैक्स है, जो आप बाद में नहीं कर रहे हैं, आपने पहले पे कर दिया है, इससे पूरा अधिकार आपका ही है। अब हम सब एक एक चीज को समझते हैं, वेन शुड टीडीएस बी डिडक्टेड इन बायो, टीडीएस को कब डिडक्ट करना है, किसके द्वारा डिडक्ट करना है, अब हम वो देख लेते हैं। तो ए पर्सन हु इज लाइबल टू मेक पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड नेचर टू एनी अदर पर्सन, जिसको हम डिडक्टी कहते हैं, रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच पेमेंट और अमाउंट क्रेडिट टू अकाउंट विच, या तो पेमेंट करते वक्त या जो अकाउंट में क्रेडिट कर रहे, तो उन दोनों में से जो भी पहले होगा उस पर क्या करना है, पेमेंट करने वाले को टीडीएस करने की लाइबिलिटी होती है। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है, जो पेमेंट कर रहा है उसका कोई भी उसको कोई बेनिफिट नहीं है उस पर, तो बल्कि ये सारी जो भी लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी क्या हो गई, उसके ऊपर एक्स्ट्रा आ गई है। बट नो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड इफ द पर्सन मेकिंग द पेमेंट, जो व्यक्ति यदि पेमेंट कर रहा है उसको टीडीएस नहीं करना है यदि वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, और पर जरूरी है कि वो इंडिविजुअल एचयूएफ और उसकी बुक्स जो है वो ऑडिट नहीं होती है, मतलब उस पर इंडिविजुअल एचयूएफ पे यदि ऑडिट की लाइबिलिटी नहीं आती है, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होता है, टैक्स ऑडिट नहीं होता है, तो फिर उनको ऐसे व्यक्ति को टीडीएस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाउएवर इन केस ऑफ रेंट पेमेंट, लेकिन यदि रेंट पेमेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के द्वारा किया जाता है और वो 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, तो फिर उनके ऊपर क्या है, उनको टीडीएस करना होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो एचयूएफ हो, भले उनकी बुक्स ऑडिटेड होती हो या ना होती हो, यदि 50,000 से ज्यादा का रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, टीडीएस करना है। पर हाँ, उनको ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ को 10 लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अभी 10 क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयर होता है तो सैलरी होती है, तो सैलरी में से आपको क्या होता है, आपकी जो स्लेब होती है उस बेसिस पे वो टीडीएस किया जाता है आपका। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रूफ है फॉर क्लेमिंग डिडक्शन, डिडक्शन कैसी, चाहे जैसे मैंने बताया कि हाउस रेंट अलाउंस की है, एचआरए की जो डिडक्शन है तो उसके लिए आपको उसकी रिसिप्ट देनी है, एटीसी के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी रिसिप्ट, एटीडी इंश्योरेंस करवाया है तो उसकी रिसिप्ट देनी है। यदि आप ये सारे इन्वेस्टमेंट प्रूफ अपने एम्प्लॉयर के यहाँ जमा कर देते हैं, और यदि आपकी टैक्सेबल इनकम, जो ये सारे जो है डिडक्शन लेने के बाद, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट, जो टैक्सेबल लिमिट है, जो स्लैब है, उससे कम आती है, तो फिर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से क्या होता है, एक फॉर्म 15G और 15H होता है, जो कि बैंक भी क्या करती है, यदि एक थ्रेशोल्ड लिमिट है बैंक में भी इंटरेस्ट की, उससे ज्यादा यदि आपको इंटरेस्ट पे करती है तो फिर बैंक भी क्या करती है, आपको आपका टीडीएस करती है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी इतनी इनकम नहीं, जैसे कि अभी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है,
अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए तक आपको लगता है कि नहीं मेरी, भले बैंक में आपका 1 लाख रुपए इंटरेस्ट बन रहा है लेकिन आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख होनी ही नहीं है, तो फिर हम टीडीएस क्यों करवाए। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको बैंक को फॉर्म 15G देना होता है। ये 15G होता है इंडिविजुअल एचयूएफ जो नॉन सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 60 ईयर से कम है उनको क्या होता है फॉर्म 15G होता है, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि मेरी इनकम जो है बिलो टैक्सेबल लिमिट है इसलिए मेरा टीडीएस नहीं किया जाए, तो उनका टीडीएस नहीं होगा। ऐसे ही यदि जो सीनियर सिटीजन होगा उनको फॉर्म 15G की जगह 15H देना होता है बैंक को। यदि आप बैंक में 15G 15H दे देते तो फिर बैंक आपका क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि 10 क्या होता है, 10 की कब रिक्वायरमेंट होती है, 10 किसको लेना है, कैसे लेना है। 10 स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, इट इज अ यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक नंबर अलॉटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। जो भी व्यक्ति टीडीएस या टीसीएस, टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो भी व्यक्ति टीडीएस और टीसीएस करने के लिए लाइबल होता है उसको टीडीएस रिटर्न फाइल करने होते हैं, सर्टिफिकेट इश्यू करने होते हैं, चालान जमा करना होता है, उन सब पे उसको अपना 10 देना होता है। अभी 10 के क्या होता है, जैसे कि आपका पैन नंबर होता है वैसे ही जो टीडीएस करने के लिए जिम्मेदार लाइबल है उस व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 10 डिजिट का 10 अलॉटमेंट के लिए भी अप्लाई करना, जैसे पेन के लिए अप्लाई करते हैं ना वैसे ही 10 टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 के लिए भी अप्लाई करना होता है, क्योंकि 10 नंबर जो है उसको सभी पे लिखना होता है। तो उसको 10 नंबर के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होता है। ये 10 नंबर अप्लाई करने के लिए आपको जाना था 3NSDL की वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 3NSDL की साइट से अप्लाई करके आपको 10 नंबर लेना होता है, और ये जो 10 नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है। The provision of section 203A of the Income Tax Act requires all persons who deduct or collect tax at source to apply for the allotment of a 10. जो भी व्यक्ति TDS या TCS के लिए liable है उसको 10 allotment के लिए apply करना जरूरी है। This section also makes it mandatory for 10 to be quoted in all TDS TCS return, TDS TCS payment, चालान एंड ऑल TDS TCS certificate, रिटर्न में चाहे चालान हो या सर्टिफिकेट हो सब में उसको वो 10 कोट करना जरूरी होता है। यदि वो फेलियर टू अप्लाई फॉर 10 और कंप्लाई विद एनी ऑफ अदर प्रोविजन ऑफ दिस एट्रैक्ट्स अ पेनल्टी ऑफ 10,000। यदि वो 10 नंबर नहीं लेता है तो वो 10,000 की उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। 10 इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस, लेकिन कुछ केसेस ऐसी हैं जबकि आपको 10 नंबर की लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपने पेन नंबर से भी टीडीएस कर सकते हैं और रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। 10 इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस टीडीएस इज डिडक्टेड फॉर परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 194IA में यदि आप टीडीएस करते हैं, या रेंट पेड सेक्शन 194IB के अंतर्गत आप जो रेंट पेड करते हैं उसमें यदि आप टीडीएस करते हैं, फॉर टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रेक्टर एंड प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 194M, यानी कि 194IA, 194IB और 194M के अंतर्गत जो टीडीएस होता है उसमें आपको 10 लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिडक्टर हैव टू यूज देयर पर्सनल पेन फॉर द टीडीएस पेमेंट एंड फॉर फाइलिंग इट, वो पेमेंट करने के लिए या रिटर्न फाइल करने में क्या कर सकता है, पेन नंबर से वो कर सकता है। इसके अलावा सभी को जो है 10 नंबर लेना जरूरी है। अब हम देखते हैं 10 के बाद कि ये जो सब मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था कि अब जब आप टीडीएस हो गया उसके बाद आपको क्या करना होता है, उस टीडीएस को डिपॉजिट करना होता है। तो हर इनकम के बेस पे अलग अलग टीडीएस डेट है कि कब आपको टीडीएस जमा करना है, तो वो भी हम देखते हैं। और ये जो टीडीएस जमा होता है वो भी आपका होता है 3NSDL की साइट पे, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी आप जमा कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन करना है तो आपको 3NSDL की साइट पर जाना होता है। देखिए चालान नंबर है, इन चालान के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टीडीएस जमा कराना होता है आपको। आपको अपने पास तो रखना ही नहीं है, नहीं तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। कौन सी इनकम पे उसकी ड्यू डेट क्या है वो हम देखते हैं। चालान ITNS 281 ये होता है फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस टीसीएस बाय कंपनी एंड नॉन कंपनी डिडक्टिंग, चाहे कंपनी हो या नॉन कंपनी हो वो टीडीएस टीसीएस जमा करने के लिए उसको 281 नंबर का चालान लगता है।
और ये टीडीएस मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। जिस महीने में आप टीडीएस करते हैं ना उसके अगले महीने की 7 तारीख तक, जैसे कि आपने जून में टीडीएस किया तो आपको 7 जुलाई तक आपको क्या करना, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको टीडीएस जमा करना होता है। हाउएवर टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन आपने ईयर एंड में मार्च में अगर आपने टीडीएस किया है तो आप 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। ये मार्च के लिए 30 अप्रैल है, नहीं तो आपको क्या करना है, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको टीडीएस जमा कराना जरूरी होता है। अब हम देखते हैं फॉर्म 26 क्यूबी। ये फॉर्म 20 सारे पेमेंट जो होते हैं, चाहे कमीशन हो, रेंट हो, सैलरी, उसके लिए 281 का चालान लगता है, लेकिन कुछ पेमेंट ऐसे हैं जिन टीडीएस जिन पे हमको कौन सा चालान देना है, फॉर्म 26 क्यूबी फॉर डिपॉजिटिंग पेमेंट टूवर्ड्स टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी का सेल करने पर, सेल परचेस पे जो टीडीएस होता है, वो टीडीएस के लिए आपको चालान है। एक तरह से ये जो तीनों में बता रही हूँ, फॉर्म 26 क्यूबी, 26 क्यूसी, 26 क्यूडी, ये चालान कम रिटर्न है, स्टेटमेंट है। इट मींस क्या कि ये चालान भी है, इनके द्वारा आप टीडीएस जमा भी कर सकते हैं और रिटर्न भी फाइल हो जाता है। मतलब आपको जैसे अब इसमें 281 में तो क्या आपको चालान भी जमा करना पड़ेगा, जैसे मानो सैलरी है या कमीशन है जो भी है, तो इसमें आपको क्या करना है, चालान भी जमा करना है और उसके बाद रिटर्न फाइल करना। लेकिन ये जो है ना 26 क्यूबी, क्यूसी, क्यूडी, इन तीनों में चालान कम स्टेटमेंट है, मतलब इसमें रिटर्न भी फाइल हो जाएगा और चालान भी जमा हो जाएगा, दोनों के लिए आपको एक ही 26 क्यूबी, क्यूसी, क्यूडी फाइल करने होते हैं। ठीक है, तो क्यूबी था आपका टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। ये आपको करना होता है 30 डेज फ्रॉम द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया उसके अगले महीने की 30 तारीख तक, 30 दिन में, सॉरी, हाँ 30 तारीख तक। जैसे कि जून में यदि टीडीएस हुआ तो आप 30 जुलाई तक आपको ये 26 क्यूबी फाइल करना होता है। ऐसे ही फॉर्म 26 क्यूसी जो है वो फॉर डिपॉजिटिंग पेमेंट टूवर्ड्स टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर टीडीएस होता है तो 26 क्यूसी फाइल करना होता है। इसमें भी सेम है, 30 डेज फ्रॉम द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। फॉर्म 26 क्यूडी किसके लिए होता है, फॉर टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रेक्टर एंड प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 194A। इसकी भी क्या है, 30 डेज फ्रॉम द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। ये तो बात हुई कि आपको टीडीएस कैसे डिपॉजिट करना है, इसके लिए कौन कौन सा चालान लगेगा। अब हम देखते हैं, जब हम टीडीएस जमा कर देते हैं उसके बाद हमको क्या करना होता है, टीडीएस रिटर्न फाइल करने होते हैं, जिसमें की सारी जानकारी देते हैं। टीडीएस रिटर्न कब कब फाइल करना है, कैसे करना है, वो भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म देखते हैं, सबसे पहले आता है फॉर्म 24Q। जो रिटर्न फाइल होता है फॉर्म 24Q, ये 24Q होता है सैलरी के लिए। जो एम्प्लॉयर हमारी सैलरी डिडक्ट करते हैं उनको 24Q सैलरी के लिए जो रिटर्न फाइल होता है वो होता है 24Q, और ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल होते हैं। जैसे चालान हमने देखे थे कि हर महीने की 7 तारीख को आपको जमा करना है, लेकिन ये रिटर्न आपको हर महीने नहीं करना है, आपको क्वार्टरली, मतलब जैसे अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का आपको 31 जुलाई तक आपको इसका रिटर्न फाइल करना है। फिर सेकेंड क्वार्टर कौन सा आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो उस सेकेंड क्वार्टर को आपको 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना है। थर्ड क्वार्टर आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसका आपको 31 जनवरी तक रिटर्न फाइल करना है। फोर्थ क्वार्टर आएगा जनवरी से मार्च तक का, उसको आपका करना होता है 31 मई तक आपको रिटर्न फाइल करना होता है। इसके अलावा फिर होता है फॉर्म 26Q। 26Q होता है क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर टीडीएस इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल पेमेंट्स एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी को छोड़ के जो भी टीडीएस होता है, जैसे कि कमीशन है, ब्रोकरेज है, प्रोफेशनल फी है, टेक्निकल फी है, इन सब के लिए आपको कौन सा फॉर्म लगेगा, 26Q। और ये भी क्या होंगे, ऐसे ही जैसे ये थे ऐसे ही ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल होगा। उसके बाद आता है फॉर्म 27Q। 27Q होता है क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड और अदर सम पेबल टू नॉन रेसिडेंट एक्सेप्ट सैलरी। जो नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट डिविडेंड का पेमेंट होता है, लेकिन सैलरी को छोड़ के, जो नॉन रेसिडेंट को सैलरी को छोड़ के जो पेमेंट होता है उनके लिए फॉर्म 27Q फाइल करना होता है। और ये रिटर्न भी कब फाइल होंगे, क्वार्टरली फाइल होंगे, वो के वही डेट है। उसके बाद आता है फॉर्म 26QB। फॉर्म 26QB फाइल होता है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194
आइए, जो मैंने आपको बताया था ये क्या है, इट इज अ चालान कम स्टेटमेंट ना, आप चालान भी आपको इसी में पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और इसके साथ ही ये रिटर्न भी आपका फाइल हो जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्म आपको सबमिट करना होता है और इसकी ड्यू डेट क्या है, वही 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस डिडक्टेड, जिस महीने टीडीएस डिडक्ट किया है उसके 30 डेज के अंदर आपको जो है रिटर्न सबमिट करना होता है। फिर फॉर्म 26QC, 26QC क्या है, टीडीएस ऑन रेंट अंडर सेक्शन 194IB, ये भी 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ विच टीडीएस, जिस महीने आपने टीडीएस किया उसके अगले महीने आप 30 दिन में आपको जमा करना है रिटर्न। ऐसा 26QD किसके लिए है, अंडर सेक्शन 194A में जो आपका टीडीएस होता है। तो ये होगा, ये तीनों क्या थे, चालान कम स्टेटमेंट। अब जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, उस रिटर्न को फाइल करने के बाद मैंने आपको बताया था क्या करना होता है डिडक्टर को, जो टीडीएस किया है उसके बदले में उसको डिडक्टी को सामने वाले को पेमेंट के बाद उसको क्या करना है, सर्टिफिकेट देना होता है। तो सर्टिफिकेट भी कौन कौन से टीडीएस सर्टिफिकेट है तो वो देख लेते हैं। ये टीडीएस सर्टिफिकेट भी आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो ये ट्रेसेस की साइट जो होती है tdscpc.gov.in, ट्रेसेस की साइट से आपको टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने होते हैं। ये कैसे डाउनलोड करने और रिटर्न कैसे फाइल करना है, ट्रेसेस के इसमें एक तो आपको ट्रेसेस की साइट पर अपना क्या करना था, रजिस्ट्रेशन करना होता है, इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, टीडीएस के रिटर्न कैसे फाइल करने हैं, आपको फॉर्म 16 में टीडीएस सर्टिफिकेट है वो कैसे डाउनलोड करने हैं, तो ये इन सब पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जिसमें डिटेल में मैंने बताया कि कैसे आप खुद ही, अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आप खुद ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं, खुद ही टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सब पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना, ट्रेसेस की साइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इनकम टैक्स की साइट पर टीडीएस के लिए टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन है, सब भी मैंने आप वीडियो बनाए हुए जिसको देख के आप इजीली ये कर सकते हैं। अब देखते हैं फॉर्म 16। फॉर्म 16 जो होता है वो होता है टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट, जो सैलरी का पेमेंट करता है उसके लिए टीडीएस सर्टिफिकेट होता है फॉर्म 16 के रूप में। ये होता है, अब आपको किससे मिलेगा, एम्प्लॉयर से। ये इसको फॉर्म 16 इश्यू किया जाता है ईयरली, मतलब पूरा साल खत्म होने के बाद आपको, जैसे 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 के लिए यदि आपका टीडीएस हुआ तो आपको कब मिलेगा, 31 मार्च 22 के बाद आपको आपका फॉर्म 16 मिलेगा। इसकी ड्यू डेट होती 31 मई, 31 मई तक क्या करना होता है आपको फॉर्म 16 इश्यू कर देना चाहिए। उसके बाद आता है फॉर्म 16A। फॉर्म 16A इश्यू होता है टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट, सैलरी के अलावा जो पेमेंट होते हैं उनके लिए फॉर्म 16A इश्यू करना होता है। और ये क्वार्टरली डाउनलोड आप कर सकते हैं क्योंकि इनके रिटर्न भी क्या होंगे, आपके क्वार्टरली होंगे। तो 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उससे 15 दिनों के अंदर आपको फॉर्म 16A आप इश्यू कर सकते हैं। और ये कौन से, ये रिटर्न सॉरी ये टीडीएस सर्टिफिकेट आप क्वार्टरली इश्यू करेंगे। उसके बाद फॉर्म 16B, 16B होता है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी में जो टीडीएस होता है ना वो एवरी ट्रांजेक्शन, मतलब हर ट्रांजेक्शन के साथ आप टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं। ये भी कब है, 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जो रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं उसके 15 दिन में हमको, ये सभी देखिए सैलरी के अलावा सभी में यही है कि जो रिटर्न फाइल करने की, रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उसके 15 दिन में आपको ये सर्टिफिकेट देना है। फॉर्म 16C होता है टीडीएस ऑन रेंट, ये भी आप हर ट्रांजेक्शन के बाद आप इनको टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं। फॉर्म ये जितने भी है क्या है, ये एवरी ट्रांजेक्शन, मतलब 16B, 16C, 16D इनके लिए जो रिटर्न फाइल होते हैं, जो मैंने बताया था चालान कम स्टेटमेंट होते हैं, तो वो भी आपको क्या करना है, हर स्टेटमेंट के साथ आप क्या कर सकते हैं, उनको फाइल कर सकते हैं। फिर फॉर्म 16D होता है टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रेक्टर एंड प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 194A, ये भी आप एवरी ट्रांजेक्शन पे आप टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि आपने टीडीएस सर्टिफिकेट दे दिया। अब टीडीएस सर्टिफिकेट देने के बाद क्या आती बात, यहां तो आपका डिडक्टर का काम कंप्लीट हुआ है। अभी मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री अभी बताऊंगी एंड में, अभी हम बीच में पहले समझ लेते हैं कि अब जैसे डिडक्टर ने आपको टीडीएस सर्टिफिकेट, अब क्या बात आती है डिडक्टी की, अब जिसका पेमेंट जिसका टीडीएस हुआ है वो क्या करेगा, जरूरी तो नहीं है कि आपका टीडीएस हुआ है तो आपकी टोटल इनकम भी
उससे ज्यादा। तो ये एक होता है फॉर्म्स 26S। 26S में क्या होता है कि जितने भी आपके टीडीएस होते हैं वो सारी इनकम की डिटेल, जो एक इनकम की डिटेल आपका जो डिडक्टी का जो 26S है उसमें सारी आपको टीडीएस की एंट्री दिख जाती है। अच्छा 26S पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हूँ जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो फॉर्म 26S अब जब भी आप रिटर्न फाइल करें तब आपको 26S तो डाउनलोड करके या आप चाहे तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, उसको देखने के बाद ही आपको रिटर्न फाइल करना है। इससे क्या होगा कि आपको इसमें आपको सारी, अच्छा ये एंट्री 26S में कैसे आएगी, जब डिडक्टर के द्वारा जो रिटर्न फाइल किया जाता है तो उस रिटर्न के बेसिस पे आपको एंट्री आ जाती है 26S में कि आप वो पेन नंबर रहता है तो उस पेन नंबर से वो क्या करता है आपके 26S में वो एंट्री शो होने लग जाती है और आपकी इनकम भी आ जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी तो 10 लाख की आपकी सैलरी तो टोटल जो क्रेडिट था पेमेंट था वो 10 लाख का था, उसके अगेंस्ट उन्होंने मान लीजिए 75,000 का पेमेंट टीडीएस किया तो 75,000 की अमाउंट आ जाएगी। ये भी हो जाएगी कि उन्होंने कितना टीडीएस किया और कितना टीडीएस जमा किया है। तो इस तरह से क्या होता है फॉर्म 26S देख लेंगे तो आप उसकी कोई भी इनकम आपको छूट नहीं जाएगी, क्योंकि 26S में जितनी भी इनकम होती है ना वो आपके रिटर्न से मैच होती है। यदि आपकी कोई भी इनकम अगर आपने नहीं की है, नहीं आपने रिटर्न में ली है कोई सी इनकम, तो उसके लिए आपको क्या है नोटिस भी मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी रिटर्न आप फाइल करें तो आपको 26S पहले देखना है कौन जो, और उसमें जितनी भी इनकम है वो इनकम तो आपको अपने रिटर्न में लेना ही है। 26S के ऊपर मैं जो वीडियो बनाया उसको आप जरूर देखें। उसके बाद जो सारी एंट्री क्या आ जाती है टीडीएस की एंट्री फॉर्म 26S में डिडक्टी के अकाउंट में आ जाएगी। अब क्या करना है वो एंट्री भी आप देख लेंगे कि आपका कितना टीडीएस हो, आपको वहां से भी पता चल जाएगा। इसके साथ ही आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी दिया है सभी ने, वो सारे टीडीएस सर्टिफिकेट से अपना 26S मैच कर सकते हैं कि जितना जितना टीडीएस आपका सब में हुआ क्या वो सारा टीडीएस आपके 26S में आ गया है। अब आप उस टीडीएस सर्टिफिकेट के बेसिस पे 26S के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं वो टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं। तो क्लेम कैसे करेंगे वो आप समझिए, मैंने बताया कि एक साल कमाओ और एक साल आप क्या करना है आपको टैक्स देना है। तो टैक्स देने के लिए आपको क्या करना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। जैसे आपने अभी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक यदि आपने सैलरी ली है या कोई सी और भी इनकम ली है उसके साथ लिए, दो तीन इनकम लिए, अलग अलग लिए, एक इनकम ली, जो भी है आपकी जितनी भी इनकम है उसके लिए आप रिटर्न कब फाइल करेंगे, जुलाई तक। जुलाई कौन सी, 1 अप्रैल 2022 के बाद आपको 1 अप्रैल 2022 से आपको क्या करना है 21-22 का रिटर्न फाइल करना है। वो आपका कौन सा ईयर कहलाता है, असेसमेंट ईयर। तो आप असेसमेंट ईयर में जब रिटर्न फाइल करेंगे उस रिटर्न में आपकी सारी इनकम आएगी, उस इनकम पर आप क्या करेंगे पूरा अपना टैक्स उस इनकम के बेसिस पे, और उसमें आप अपनी डिडक्शन भी देंगे, और उस डिडक्शन के बेसिस पे क्या होगा आपकी फाइनल फिर जो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। तो जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है अगर वो लाइबिलिटी आपके टीडीएस के अमाउंट से कम होती है तो आपको क्या करना होगा, आपका टीडीएस आपका रिफंड आ जाएगा। मान लीजिए कि आपकी जब कुछ चीजें होती है जो डिडक्शन वगैरह आपने एम्प्लॉयर को नहीं बताई हो, या कमीशन वगैरह पे तो आपको देना ही होता ही नहीं, उसमें तो आपका टीडीएस हो जाता डायरेक्ट। तो फिर वो क्या होता है कि आप जब रिटर्न फाइल करेंगे उसमें अपनी डिडक्शन वगैरह सब लेंगे तो हो सकता है कि आपका जो टैक्स है वो कम बन रहा है। मान लीजिए कि आपका टैक्स बना है 70,000 और आपका टीडीएस हुआ 50,000, तो आप क्या करेंगे 70,000 आपकी टैक्स लाइबिलिटी, 50,000 का आपका टीडीएस है। तो ऐसे में क्या होगा आपको 70,000 टैक्स लाइबिलिटी, 20,000 जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको ये 50,000 टीडीएस के आपको जो है क्लेम कर लेंगे आप। तो आपको जो बैलेंस 20,000 है वो आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा आपको डिपॉजिट करवाना होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में। और मान लीजिए कि इसका उल्टा हो, 70,000 टीडीएस और 50,000 आपकी टैक्स लाइबिलिटी बने, तो इसमें क्या होगा वो जो 20,000 है वो आपको टीडीएस आपका रिटर्न जब प्रोसेस होगा तो उसको आपको विद इंटरेस्ट आपको रिफंड के रूप में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना टीडीएस को क्या कर सकते हैं, एक टीडीएस मैंने क्या बताया जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न के साथ जो आप टैक्स भरते हैं ना उस पर उस टैक्स का ही वो टीडीएस भी क्या है वो रूप है। ये सब मैंने आपको बताया कि टीडीएस रिलेटेड क्या क्या फॉर्मिलिटीज है, कैसे आपको करना होता है, डिडक्टर को क्या करना होता है, डिडक्टी को क्या करना होता है। लेकिन यदि आप डिडक्टर द्वारा यदि इसमें डिले किया जाता है, इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, यदि टीडीएस जमा करने में यदि देर हो जाती है तो फिर जैसे जो ड्यू डेट बताई है उस ड्यू डेट पर आपने टीडीएस जमा नहीं किया है किसने, डिडक्टर ने, तो फिर क्या होगा आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ,
1% पर मंथ से आपको इंटरेस्ट देना होगा। इफ ही नॉट डिडक्ट टैक्स आर शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टैक्स, यदि या तो उसने क्या करा टीडीएस किया ही नहीं या फिर कम टीडीएस किया है, तो उसको क्या है ये जो 1% कब से चार्ज होगा, फ्रॉम द डेट द टैक्स वॉज डिडक्टेबल टू द डेट ऑफ डिडक्शन, जब से उसने उसको टैक्स डिडक्ट करना था उस डेट से लेकर जिस डेट पर उसने टैक्स डिडक्ट किया है उतने टाइम तक के लिए उसको 1% क्या पर मंथ के हिसाब से उसको क्या करना है इंटरेस्ट देना है। ये बात आती है कि जब उसने टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया या कम डिडक्ट किया है तो उसको जिस डेट से टैक्स डिडक्ट करना था उससे लेके जब तक उसने डिडक्ट किया तब तक तो उसको 1% से देना होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ फॉर टैक्स डिडक्टेड। यहाँ पे बात आ रही है कि टैक्स तो डिडक्ट कर लिया है बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, लेकिन उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा नहीं किया है, मतलब ड्यू डेट पे उसने क्या करा जमा नहीं किया, तो उसको फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन, तो अब ये वो नहीं कि कौन सी ड्यू डेट थी कब जमा करना था, अब यहाँ पे इंटरेस्ट अगर उसने जमा नहीं किया तो जिस डेट पर उसने डिडक्ट किया है उस डेट से लेके जिस डेट पे उसने एक्चुअल पेमेंट किया है डिपार्टमेंट को उस डेट तक पर उसको क्या करना है 1.5%। तो यहाँ ध्यान रखिएगा डेट ऑफ डिडक्शन ना कि डेट ऑफ ड्यू डेट देखना है अपने को, क्या देखनी डेट ऑफ डिडक्शन से लेकर डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक उसको जितने भी दिन होंगे उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना होगा। इसमें पेनल्टी भी लगती है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H, एज पर सेक्शन 271H वेयर अ पर्सन फेल टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एटसेट्रा, यदि कोई व्यक्ति टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाता है या फिर बिफोर द ड्यू डेट के पहले वो फाइल नहीं कर पाता है तो असेसिंग ऑफिसर उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है जिसमें मिनिमम पेनल्टी होगी आपकी 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। तो पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H विल बी इन एडिशन टू लेट फाइलिंग फी प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 234E। अभी जो मैंने इंटरेस्ट की बात की थी उसके अलावा एक लेट फाइलिंग फीस होती है, उसके अलावा भी आपको क्या करना है 271H के अंतर्गत पेनल्टी देना है, मतलब ये पेनल्टी क्या है लेट फी प्लस इंटरेस्ट इन सब के अलावा भी आपको क्या करना है ये पेनल्टी पे करना पड़ सकती है यदि असेसिंग ऑफिसर चाहे तो, लेकिन नो पेनल्टी विल बी लेविड, लेकिन आपको पेनल्टी नहीं लगेगी अंडर सेक्शन 271H फॉर द फेल्यूर टू फाइल द टीडीएस टीसीएस रिटर्न इफ द पर्सन प्रूव्स दैट आफ्टर पेइंग टीडीएस कलेक्टेड बाय हिम अलॉन्ग विद द लेट फाइलिंग फी एंड इंटरेस्ट इन टीडीएस रिटर्न इज फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द स्पेसिफाइड ड्यू डेट। लेकिन अब 271H की देखिए आप इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी इनसे आपने इंटरेस्ट लेट फी इनसे आप नहीं बच सकते, लेकिन जो पेनल्टी है इस सेक्शन 271H में इससे आप बच सकते हैं यदि आपने जो टीडीएस टीसीएस है वो रिटर्न आपने क्या करा है लेट फी के साथ इंटरेस्ट फी इंटरेस्ट और लेट फी के साथ क्या कर दिया उसको जमा कर दिए, आपने अमाउंट भी जमा कर दिए रिटर्न भी फाइल कर दिया है, लेकिन ये रिटर्न कब करना टीडीएस रिटर्न इज फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी 1 year फ्रॉम द स्पेसिफिक जो ड्यू डेट थी उसके 1 साल के बाद तक 1 साल के अंदर आपने वो रिटर्न फाइल कर दिया है और लेट फी भी पे कर दी है टीडीएस भी पे कर दिया है लेट फी भी दे दी और इंटरेस्ट भी दे दिया तो फिर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। एबीसी लिमिटेड टेक्स सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंसी फी। एबीसी लिमिटेड कंपनी जो है उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट काय में आते हैं प्रोफेशनल के अंतर्गत, और एंड कंसल्टेंसी फी उसने जो कंसल्टेंसी दी है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो ड्यू है, मतलब उसको 15 जुलाई को 15,000 रुपए कंसल्टेंसी फी देनी है, 5 अगस्त को 5,000 रुपए कंसल्टेंसी फी देनी है, 9 सितंबर को 25,000 रुपए कंसल्टेंसी फी देनी है। उसको 3 डेट पर जो ड्यू डेट है उसकी कंसल्टेंसी फी देने की 3 डेट है। तो अब मैं यहाँ पे बता दूं कि इस एक तो प्रोफेशनल फी है, आपको जो चार्ट है वो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन सी सेक्शन किस पेमेंट पर लागू होती है। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर एक प्रोफेशनल फी में आता है, प्रोफेशनल फी के लिए होती है सेक्शन 194J और 194J में टीडीएस की रेट है 10%, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000। इसका मतलब भी आप समझ लीजिए, ये पूरी डिटेल आपको उस चार्ट में मिल जाएगी।
मैंने जैसे बीच में बताया भी था कि जैसे 194G है तो आपने सेक्शन देख ली, फिर उस सेक्शन में कितनी रेट है 10%, मतलब जो आप उसको फी पे कर रहे हैं कंसल्टेंसी की, उस पर आपको 10% की रेट से टीडीएस करना है। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000। इसका मतलब ये है कि यदि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 30,000 रुपए तक का पेमेंट किया है तो आपको कोई भी टीडीएस उसका नहीं करना है। आप उसको 30,000 पूरा का पूरा 30,000 का पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यदि 30,000 से ज्यादा आप पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस करना है। तो टीडीएस कैसे करना है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे टोटल पेमेंट पूरे साल में कितना हुआ, देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का पेमेंट है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो पूरा पेमेंट हुआ साल का अपन को देखना होगा 15, 5, 25, टोटल 45,000 रुपए का उसको अपने को पेमेंट करना है, ठीक है ना। 45,000 रुपए का पेमेंट करना, तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट से तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया 45,000 रुपए, तो इसका मतलब अपने को क्या करना होगा, इसका टीडीएस करना होगा। तो टीडीएस की डेट क्या आएगी, अब आप देखें तो टीडीएस की डेट आएगी 9 सितंबर। 9 सितंबर क्यों आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप 15 जुलाई को पेमेंट करते हैं 15,000 का, तब वो विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो आप 15,000 रुपए उसको पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि 15 जुलाई आप तो क्या है पेमेंट करते जाएंगे, तो अच्छा ये भी ध्यान रखें, यदि आपको पता है कि नहीं इस साल इनका 30,000 से ज्यादा होना ही है, जैसे मैंने लिखा ऐसा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपको हर समय तो पता नहीं होगा कि आपको कब कब पेमेंट, जैसे जैसे बिल आता जाएगा वैसे वैसे पेमेंट करते जाएंगे। यदि आपको पता है कि नहीं हर साल इसका 30,000 से ज्यादा ही होता है, तो तब क्या करें, शुरू में ही टीडीएस काटना हर पेमेंट, जैसे 15,000 पे भी टीडीएस कर सकते हैं, 5,000 पे भी कर ले, 25,000 पे भी कर ले, क्योंकि आपको पता है कि पूरे साल में 30,000 से ज्यादा होगा। लेकिन जब आप 15,000 का पेमेंट कर रहे हैं तब आपको पता नहीं है कि पूरे साल में 30,000 से ज्यादा जाएगा, तो हम क्या करेंगे 15 जुलाई को तो 15,000 का पूरा पेमेंट कर देंगे, क्योंकि विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट है। फिर जब 5 अगस्त आता है तब आपका टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा, 15 और 5, 20,000, ये भी विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो आप इसका भी 5,000 ऐसा के ऐसा पेमेंट कर देंगे। लेकिन जब 9 सितंबर को आप आएंगे तो उसका अकाउंट देखेंगे तो आपकी प्रोफेशनल फी कितनी हो जाएगी उस व्यक्ति की, 25, 5, 15, 45,000 रुपए। तो अभी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई, तो अब आपको ऐसा नहीं है तेरे 45,000 है तो आपको सिर्फ 15,000 पे टीडीएस करना है। आपको टीडीएस कितने करना है, पूरी 45,000 रुपए पे आपको टीडीएस करना है। आपने 15,000 का पेमेंट कर दिया, 5,000 का पेमेंट कर दिया, अब 25,000 में जो पेमेंट करना है उसमें से आपको 45,000 पे टीडीएस करके 45,000 का 10% यानी 4,500 रुपए टीडीएस होगा। और ये टीडीएस की डेट क्या हो जाएगी, 9 सितंबर। तो इस 9 सितंबर पे आपको 4,500 का टीडीएस करना है, 4,500 का टीडीएस डिडक्ट करके जो 25,000 में से, क्योंकि ये दो पेमेंट तो आप कर चुके हैं, अब अपने पास बचा क्या 25,000 का, तो 25,000 में से हम 4,500 का पेमेंट करेंगे और बाकी अमाउंट जो है उसको दे देंगे, ठीक है। अब इस हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितना पे करना पड़ेगा, उस सीए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमको टोटल कितना है, 45,000 रुपए टोटल बने, उसमें हमको टोटल पूरे साल में आपको पेमेंट करना है 4,500 का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। टीडीएस के बदले अच्छी 4,500 का हम क्या करेंगे, रिटर्न भी फाइल करेंगे, टीडीएस सर्टिफिकेट भी हम क्या करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम उसको देंगे, 40,500 रुपए का टोटल पेमेंट करेंगे और साथ में उसको 4,500 का क्या कर देंगे टीडीएस सर्टिफिकेट देंगे, जिससे बेसिस पे वो क्या कर लेगा अपने रिटर्न में उसकी क्रेडिट ले लेगा। तो अभी 40,500 का जो है वो पेमेंट कैसे होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो डेट वाइज आप देख लीजिए। 15 जुलाई को तो 15,000 मैंने बताया, मैं मान के चल रही हूँ कि जैसे 15 जुलाई को उसको नहीं पता है कि बाद में जाके 30 से ऊपर होगा, नहीं होगा उसको अगस्त में, उसको कब पता चला, जब सितंबर में पेमेंट ज्यादा, जब बिल ज्यादा का आया, तो 15 जुलाई को हम 15,000 का पेमेंट करेंगे, 5 अगस्त को 5,000 का करेंगे, फिर 9 सितंबर को हम जो 25,000 में से 4,500 काट के 20,500 का पेमेंट कर देंगे। तो ये अमाउंट हमको पेमेंट करना है। अब देखिए अब आगे के अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितना पे करना है, टोटल 40,500, तो उसकी हमको टीडीएस की अमाउंट कितनी निकली इसमें 4,500, ये टीडीएस हमको क्या 40,500 टोटल हमको 45,000 देना, उसमें 40,500 हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को देंगे और 4,500 टीडीएस क्या करेंगे गवर्नमेंट को देंगे चालान के थ्रू। अब इसकी एंट्री देखते हैं, हम सबसे पहले आते हैं 15 जुलाई पे क्या एंट्री कर, तो 15 जुलाई पे आपका होगा प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट, ये आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस है टू चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट के अकाउंट में 15,000 रुपए क्रेडिट कर दिए, ये उसको हमको पेमेंट करना है, ठीक है।
फिर 5 अगस्त पे आते हैं। 5 अगस्त पे भी क्या हो, प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। फिर 5 अगस्त को हमने 5,000 रुपए से प्रोफेशनल फी को डेबिट करके चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को क्रेडिट कर दिया, इतना पेमेंट हमको चार्टर्ड अकाउंट को करना है। फिर आते हैं 9 सितंबर को। 9 सितंबर को क्या होगा, प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट। अब 9 सितंबर को हमको पता चल गया कि 30,000 रुपए से ज्यादा है, तो हमको करना है 4,500 का टीडीएस और जो बची हुई रकम है वो काई में क्रेडिट कर देंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में। तो प्रोफेशनल फी हो जाएगी 25,000 डेबिट। फी तो बराबर, प्रोफेशनल फी तो अकाउंट में जितनी जाएगी हमारे, हमको तो क्या करना है, पूरा जो 45,000 है वो पूरी प्रोफेशनल फी में जाएगा। 45,000 का हमको तो एक्सपेंसेस है, तो वो पूरा 45 प्रोफेशनल फी में जाएगा 25,000, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जाएगा 20,500, जो 4,500 का है वो कहाँ जाएगा, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी। ठीक है, अब इससे हमारे 3 लेजर क्रिएट हो गए। एक प्रोफेशनल फी का डेबिट बैलेंस हो गया, प्रोफेशनल फी, प्रोफेशनल फी मैंने बताया ये क्या है, एक्सपेंसेस है, ये तो आपके 45,000 के एक्सपेंसेस है, तो ये आपको, आपको तो 45,000 गए ही है ना, चाहे वो किसी भी रूप में गए, चाहे आपने टीडीएस का पेमेंट किया हो या सीए फर्म को किया है, तो आपके 45,000 आपका जो खर्चा है वो आपको चला जाएगा पीएनएल में, डेबिट हो जाएगा ऐसा कैसा, प्रोफेशनल फी का बैलेंस। फिर उसके बाद आता है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी का क्रेडिट बैलेंस है 4,500। ये क्या है आपका टीडीएस किया आपने, ये आपकी जवाब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 4,500 का टीडीएस में, उसको आपको क्या करना है, गवर्नमेंट अकाउंट में चालान के थ्रू जमा कराना है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया, 40,500। ठीक है, अब ये जो 4,500 का डेबिट बैलेंस था टीडीएस ऑन प्रोफेशनल, सॉरी क्रेडिट बैलेंस था टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी, उसको अब हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे इस अकाउंट को। अब जब पहले क्रेडिट था, अब डेबिट हो गया, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट 4,500 टू बैंक। हमने क्या करा, उसका चालान भर के टीडीएस को गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर दिया। तो ये आपका टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी अकाउंट जो क्रिएट हुआ था वो बैंक पेमेंट कर दिया, तो अब क्या हुआ, वो अकाउंट बराबर हो गया डेबिट क्रेडिट, वो अकाउंट आपका बंद हो गया, आपने पेमेंट कर दिया। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में आपका 40,500 था, वो आप उस अकाउंट को आप टू बैंक कर देंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो क्रेडिट था उसका वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को हम क्या कर दें, पेमेंट कर दिया, तब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का अकाउंट भी क्या हो गया, डेबिट क्रेडिट बराबर। जो जितना भी, हाँ ये जो 40,500 की एंट्री है, इसकी जगह आप चाहें, अगर आप डायरेक्ट भी चाहें तो जैसे प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप अगर तत्काल पेमेंट कर रहे हैं तो आप 15,000 रुपए पेमेंट करें तब भी बैंक कर सकते हैं, फिर 5,000 का पेमेंट करें तब भी बैंक कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अब मैंने मान लिया कि अपन ने एंड में जाके पेमेंट किया है, उसके अकाउंट में क्रेडिट तो करते गए लेकिन हमें पेमेंट एंड में किया, आप चाहे तो, नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को क्रेडिट करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट उसको बैंक भी कर सकते हैं यदि आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरा था टीडीएस की जो मैंने लगभग अपने आज के वीडियो में सभी जो थे इससे रिलेटेड पहलू वो सभी कवर करने की पूरी कोशिश की। और इसके अलावा जैसे कुछ चीजें जो आपको समझ में अभी भी नहीं आई होगी कि रिटर्न कैसे फाइल करना है, रजिस्ट्रेशन करना, टीन एनएसडीएल की साइट पे रजिस्ट्रेशन, उसमें कैसे चालान जमा करना है, ट्रेसेस की साइट पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इनकम टैक्स की साइट पे रिटर्न कैसे फाइल करना है, कैसे डाउनलोड टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन, तो ये सारे वीडियो फॉर्म 26A क्या है, और आप चाहें तो आपको रिटर्न कैसे, आपका इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है, कैसे आपको जो टीडीएस है उसकी जो है आपको रिबेट लेना है, उसका आपको कैसे क्लेम करना है अपना टीडीएस, तो इसके लिए रिटर्न फाइल करना होगा, तो रिटर्न कैसे फाइल करना है उसमें मैंने पूरा बताया होगा कि आपको जो 26S में जो टीडीएस है वो आपको कैसे क्लेम करना है। तो इस सब के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चाहें तो देख लिए और आप बड़ी आसानी से आप ये इनकम टैक्स टीडीएस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इस पे और भी कोई टॉपिक हो जिसको आपको समझ में नहीं आया, उस पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आपको इस टॉपिक पे आप जो है वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।